शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तेरा तो कोई नहीं है, चर्च की सीढ़ियों से उठा कर लाया था तुझे। अल्फांसो से कह देना कि आज के बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा। ए, मैं गॉड गॉड को नहीं मानता। एक मोती डायमंड से ज्यादा कॉस्टली है। येसू, मुझे बहुत डर लगता है। अरे तू डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। चल मैं तुझे नाव चलाना सिखाता हूँ। हाँ ऐसे पकड़, ऐसे अंदर सीधा ले ले। हाँ बरोबर बरोबर, और अंदर। क्यों येसू, ठीक चला रहा हूँ ना? हाँ बहुत अच्छे। मालूम है इस जगह का नाम क्या है? क्या है? मेरी रॉक। यहाँ मदर मेरी आई थी, फादर बोलते हैं। येसू ये क्या हुआ, ये निकल नहीं रहा। अरे चप्पू टक गया है। येसू ये तो टूट गया। येसू चप्पू तो टूट गया, अब मार पड़ेगी। अरे किसी ने हमें देखा ही नहीं तो मार कैसे पड़ेगी। चल हम लोग सीधा स्कूल भागते हैं। अरे अरे भागते का, अरे पीटर रस्कल, मेरी कश्ती तोड़ दी। अरे जेसू यू बास्टर्ड, स्टॉप स्टॉप। अरे रुक जाओ, अरे जेसू के बच्चे, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे कहाँ भागते का। हम सच बोलता है, वो दोनों हमारा बोर्ड चोरी करके ले गया और वापिस ला दो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, चप्पू को भी तोड़ दिया है और हमको देखे फिर भागा। अब हम आपको पूछता है हमारा यहाँ जाना कौन देगा? जेसू देगा? अरे वो तो नाजायज है, कौन है उसका, कहाँ से लाएगा? तुम देगा है? पीटर देगा? पीटर का माँ देगा? कौन देगा हमारा हर जाना? हाँ वो तू चुप रहना। हाँ ये साइमन है ना, बहुत बदमाश है, तेरा नाम लेकर तेरी माँ से पैसे निकालने की कोशिश करेगा। मैं सब इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। मेरा कौन है, न माँ है न बाप है। यस फादर, मैंने ही कश्ती चुराई। मैं ही पीटर को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था, मेरे हाथों से ही कश्ती को नुकसान हुआ है। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पीटर का कोई कसूर नहीं। रास्कल, तेरी रोज रोज कंप्लेंट आती है, सारे गांव के बच्चों को बिगाड़ रहा है। ये अच्छे खानदान का बच्चा है, इसको भी अपनी संगत से बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे दूसरों के औलाद को क्यों बर्बाद करना चाहता है तू? तेरा तो कोई नहीं है, चर्च की सीढ़ियों से उठा कर लाया था तुझे। बता नहीं तू किसकी नाजायज औलाद है, जो इतना समझाने पर इतने प्यार से पालने पर भी सुधरता नहीं। तू नाजायज है और नाजायज ही रहेगा। चल निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, तू यहाँ नहीं रहेगा। स्कूल से तेरा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा, गेट आउट। अब तो खुश हुए ना, अब चले जाइए,
निकल जाइए। यीशु कहाँ जा रहे तू? यीशु रुक जा, रुक जा यीशु। यीशु कहाँ जा रहे? रुक जा। यीशु मेरी बात तो सुन। यीशु रुक जा। यीशु, यीशु मुझे बचाओ, बचाओ यीशु, बचाओ। यीशु बचाओ। पीटर, यीशु मुझे बचाओ। पीटर तू डर मत, मैं आ रहा हूँ। अरे हटो पीटर। जसु, जसु आजा बेटा, घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ। आजा बेटा, धीरे धीरे संभाल के। पीटर तू सही जगह में बेटा, भैया के साथ है। आजा धीरे धीरे बेटा, वो पकड़ ले। आजा शाबाश, आजा बेटा, आजा आजा। हाँ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे। आजा शाबाश बेटा, आ आजा बेटा, आजा आजा आजा। शाबाश मेरे लाल, आज तूने मेरे बेटे की जान बचाई। हाँ मेरे बेटे की तूने जान बचाई। लॉर्ड, लॉर्ड तुझे हमेशा सुखी रखेगा, हमेशा सुखी रखेगा बेटे। आज से मेरे दो बेटे हुए, एक पीटर और एक तू। मैं मत बोल माँ, मैं तो ना जैसू हरामी हूँ, मुझे बेटा मत बोल। कौन कहता है कि तू हरामी है, नाजायज है? जो कहता है वो खुद नाजायज और हरामी है। मेरे सामने जरा आए तो मैं उसका मुंह रोच लूंगी। आज से तू मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा, और मैं तेरी माँ हुई, मैं तेरी माँ हुई। जैसे बेटे, अब मुझे पीटर की कोई चिंता नहीं, तेरे रहते हुए मेरे पीटर को कोई खरोच भी नहीं लगा सकता। पीटर, हाँ माँ, ये ले बेटा, इसे हमेशा अपने पास रखना। समझना कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। बेटा माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जसु, चारों चारों तरफ, चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। नहीं माँ। ओ लॉर्ड, बेटा, बेटा, माँ, माँ तो बोलती क्यों नहीं? अरे अरे जाने दे बेटा, जाने दे। ये लोग इसके रिश्तेदार अंकल हैं, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। तू अभी छोटा है, तुझे खुशी नहीं होगी कि तेरा पीटर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए? भैया पीटर, शहर जाकर अपने भाई को भूल तो नहीं जाएगा ना? नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, एक दिन मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। भैया ले जाते हैं, ये जुलम कब तक ऐसा चलेगा भगवान जाने। कौन है बे? अरे किधर लेके जा रहा है? छोड़ ना, अरे गुंडे छोड़। किधर भाग रहा था रे? अरे कहाँ भागेगा, कितने पकड़ी? अरे मैंने पकड़ी, इसने पकड़ी। अरे बाप रे, ये कोर्ट में क्या छिपाया? लौकी है, लौकी, लौकी। जरा देखूं? देखो ना।
ये क्या बे? बताता हूँ दरअसल है ना, इसको ठंडी लग रही थी तो गर्म करने के लिए कोई यहाँ अंदर रखा, कल सुबह छोड़ दूंगा फिर तने लगेगी। तू साला झूठ बो ए बुढ़िया, नीचे रख टोकरी। नहीं रे बाबा, आज न करे, मेरा बच्चा लोग भूखा है। टोकरी नीचे रख। नहीं रे, आज नहीं देगा। देख, एक हाथ मारूंगा वही मर जाएगी। मरने दे, पर आज मैं तेरे को मछली नहीं दूंगी। जा, तेरे अल्फेंसो को जाके कह दे कि गंगूबाई मछली नहीं देती। तेरे तो बहुत बोलने लगी है। जेसू बेटा, जेसू ये क्या कर रहा है? ये ले माँ, आज के बाद तुझे कोई नहीं रोकेगा। गॉड ब्लेस यू जेसू बेटा, गॉड ब्लेस यू। साइमन, अल्फांसो से कह देना कि आज के बाद उसे कुछ नहीं मिलेगा, और ये भी कह देना कि जेसू ने कहा है। घुमा के अल्फू बना दे। क्यों साइमन, दोबारा इस तरफ आया तो दांत तो क्या खाने के लिए हाथ भी नहीं छोड़ूंगा। चल डाल दो साले को अंदर। चल तेरी बात मान कर। हाँ। रामलाल, इन कुत्तों को अल्फांसो की रसोई तक छोड़ के आना और कह देना कि खुद खा के मोटा हो रहा है, एक आध हड्डी इनको भी दे दिया करे चूसने के लिए। चढ़ जाओ ऊपर। सात आदमी मिलकर एक को मारे, ये तो सुना था, लेकिन एक आदमी सात को मारे ये तो कभी नहीं सुना, न कभी देखा। क्यों टोनी, तूने कभी देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा, और वो भी मारा किसने? एक गंदी नाली के गंदे कीड़े ने, जेसू ने। मेरे बरसों के बनाए हुए उसूलों को मिट्टी में मिलाकर, और अब मुझे ये मनहूस खबर सुनाने के लिए आए हैं। रॉबिन बेटा, बता इन लोगों को जिंदा रहने का हक है या नहीं? रॉबिन, तुझे बोटी नहीं मिली बेटा। मुझे भी कुछ नहीं मिला। देखना, मछलियां तो गांव वालों ने रख ली, ये भद्दे मेंढक मुझे भेज दिए। रॉबिन बेटा, तू खून पिएगा बेटा? हाँ,
तू खून पिएगा। बब्बर जाओ और बस्ती वालों में ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई भी कश्ती दरिया में हमारे हुक्म के बगैर नहीं उतरेगी। इस गांव का हर घर हर आदमी हमारा कर्जदार है और अगर किसी ने कश्ती पानी में उतारने की कोशिश की तो कश्ती समेत उसे पानी में डुबो दिया जाएगा, समझे? बात समझ ले इन सांसों की रूप रंग से हो
जला के राख कर दो साला को। इंसान को जिंदा जलाकर राख कर दिया जाएगा, समझे कि नहीं? चलो। ए रोजी, काली है ना, हमको दे, बच्चों क्यों गाल देते हैं? किसका बच्चा? मैंने इसे कोई अपने पेट से थोड़ी जना है। अरे ये तो तेरी उस खूसट बुढ़िया का है जो टीबी से खू खू करके मर गई और इसे मेरे सर पे मरने के लिए छोड़ गई। ए रोजी, क्या बोलती है तू? ए ज्यादा बकबक मत कर, चल निकल बाहर यहाँ से। ये ले अपनी चोटी और ये ले अपना साहब ज्यादा। मोती काला मोती। जानी, जानी, ओ नहीं बेटा, आप सुपुस ले, ये देख, मोती, अभी हमारा करीबी खत्म, अमीर ही अमीर, माले माल मिलेगा, तू एक रख ले बेटा, कुछ बोलना नहीं, सवाल कर रहा है? संभाल के रोजी, रोजी मत खोल दरवाजा, मत खोल, बाद में तुझे जब पता चलेगा तो मेरा पैर चूमेगी तू। अब हमको जाना चाहिए हमको, मोती काला मोती। अरे किधर है अपना अल्फांसो से? अरे वाह, मस्त है, बैठ के देखता हूँ।
कहो क्या बात है? चिल्लाना नहीं, अस्ते अस्ते, इधर इधर आओ, ये देखो क्या लाया हूँ। ये कहाँ से मिला तुम्हें? ऐसी चीज थोड़ी मिलता, गॉड ने मेरे को दिया। जल्दी बता कहाँ से मार के लाया है बे? सेठ मार के नहीं लाया सेठ, गॉड कसम। ए मैं गॉड वॉड को नहीं मानता। पन मैं तो मानता हूँ ना। चल बता। कला तो छोड़ो फिर बताता हूँ ना। बोल। रोज का वहाँ पे एक जोड़ा पी के मैं मच्छी पकड़ने जा रहा था, वो टेकस पे मुझे उतार दिया। आपको मालूम है जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया था, आपने तो देखा ही होगा, आपको मालूम होगा, वहाँ मदर मेरी बैठ के रो रही थी और उनका आंसू पानी में गिरा, मोती बन गया और मैं वही मोती लेके आ रहा हूँ। आज से साहब साहब पाप तो नहीं होगा? नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। वो जगह मुझे बता सकते हो तुम? हाँ जरूर दिखाएंगे साहब, जरूर दिखाएंगे, क्यों नहीं। अल्फांसो से यही वो जगह है जहाँ पे मोती ही मोती है, मोती ही मोती। हाँ रहता हूँ। रंजीत। कहाँ जा रही हो मेरी रानी? अपनी खैर चाहते हो ना तो मेरा रास्ता छोड़ दो, जीसु भैया को पता चला तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। आपका कोट बाबूजी? रहने दीजिए, फिर कभी ले लूंगा। आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा बाबूजी? नया आया हूँ ना इसलिए। अच्छा चलता हूँ। अंदर आइए ना बाबूजी। फिर कभी। हम गरीब हैं इसलिए बाबूजी। अरे अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दिखाइए ना बाबूजी, दिखाइए। कुछ नहीं, मामूली सी चोट है। अंदर आइए बाबूजी, अंदर आइए, आपको हमारी कसम बाबूजी, अंदर आइए। बेकार में परेशान हो रही है बाबूजी। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं, खामो खा परेशान हो रही है। चोट क्या रे? मैंने कहा मामूली सी चोट है और कुछ नहीं। हे भगवान, कहाँ रख दी, यही तो थी। Thank you.
की लाश। फिलिप्स की लाश? चुप। रो रो के जानी का बुरा हाल था। जाने वो कैसे नशे की हालत में पहाड़ी से फिसल कर समुद्र में जा गिरा। फिलिप्स की पहली बीवी बहुत अच्छी थी, कितना ख्याल रखती थी दोनों का। अजीब कलयुग आ गया है भाई। हाँ भाई, फिलिप्स की नई बीवी रोजी की बेरुखी देखकर तो लोग वहाँ हैरान थे। अरे भाई, उसकी आंखों में तो आंसू का एक कतरा भी नहीं था, वो तो जैसे फिलिप के मरने का ही इंतजार कर रही थी। ये क्या माँ, तुम फिर कहीं जा रही हो? आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। खबरदार, यहाँ से हिला तो टांगे तोड़ दूंगी। नहीं माँ नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मुझे डर लगता है। अरे हट। माँ दरवाजा खोलो, माँ माँ दरवाजा खोलो, माँ माँ माँ। जेसु अंकल, जेसु अंकल, माँ मुझे छोड़कर भाग जा रही है, मुझे डर लगता है। क्या हो रहा है, क्यों बंद कर रखा उसे? कहाँ जा रही है तू? कहीं भी जाऊं, तुझे इससे क्या? अंकल, ये रात रात भर बाहर रहती है, मुझे डर लगता है। ची, 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 ची। उस बेचारे को मरे 4 दिन नहीं हुए और तू बंधन के बाहर जा रही है? कैसी माँ है, क्यों जुल्म कर रही है इसमें? बस बस, बहुत हो चुका। फोकट का प्याज जाता ना सबको आता है, तुझे पालना पड़े ना तब आटे दाल का भाव मालूम हो। ज्यादा बक बक नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। येसु अंकल, अरे ओए, जोश में आके लेके तो जा रहा है इस पिल्ले को, कल सुबह वापस मत पटक जाना। इसे पिल्ला कहकर तूने अपनी जात बता दी रोजी, तू इसका दर्द क्या समझेगी? तू क्या समझेगी? मैं जानता हूँ माँ के प्यार के बगैर बच्चा कैसे जीता है, लेकिन माँ कसम मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा रखूंगा। इसे कभी महसूस नहीं होगा इसकी मां नहीं है। चंडाल। ओह माय गॉड, ब्लैक पर्ल, काला मोती, ये तुमको किधर से मिला? मेरे रब का इलाका ऐसे मोतियों से भरा पड़ा है, इसी के डील के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। अल्फेंसो, तुमको इसका कीमत मालूम? ये एक मोती डायमंड से ज्यादा कॉस्टली है। तुम अपने आदमी से जाकर कह दो कि समुंदर की तह में जाकर मोती निकालना शुरू कर दें, और तुम इन्हें वर्ल्ड मार्केट में बेचते जाओ, आधा तुम्हारा आधा मेरा। डन। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? ये इल्लीगल है, गैर कानूनी। गवर्नमेंट का रूल है कि जहां डायमंड मिलेगा समुंदर के अंदर मोती मिलेगा। नोबडी कैन टच इट, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ मेरी हुकूमत है, मेरा कानून चलता है। वेरी गुड, हम एक एक मोती चेक करता जाएगा, उसको वर्ल्ड मार्केट में बेचता जाएगा, और जब तक काम खत्म नहीं होगा तुम वहीं रहोगे पानी के बीच, वहां से बाहर नहीं आओगे। What? किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम लोग यहाँ आए हो। Elfenso, तुमको हमारा वीकनेस मालूम है, हम विमन और वाइन के बगैर नहीं रह सकता। उसका इंतजाम भी वहीं कर दिया जाएगा। उधर? हाँ, नमूना देखना है तुम्हें? Thank you.
कैसे लगता हूँ माँ? हाँ, अपना मुन्ना लाया मेरे लिए। उसके पास नाबाब तो था नहीं, पर एकदम बराबर लाया है। थोड़ा पतलून टाइट है माँ, बैठते डर लगता है कहीं फट ना जाए। माँ, आज अपने मुन्ना की शादी है। हाँ, तेरी बहू एकदम मेम जैसी है, बहुत खूबसूरत है माँ। और मुन्ना भी खुशी से लाल लाल हो रहा है, एकदम अंग्रेज लगता है। May your fullest blessings come upon her and her husband. So that they may together rejoice your gift of married love. हाँ, आज तो अपनी आंखों से अपनी बहू को देखती तो कितना अच्छा होता माँ, मुन्ना कितना खुश होता माँ। देख, ये मुन्ना तेरे लिए शॉल लाया है। देख, कितनी अच्छी शॉल लाया है तेरे लिए माँ। तू ये ओढ़कर सो जा, तू फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर लूँगा। मुन्ना ने मुझे वो बेस्ट मैन बनाया है माँ। अब मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। जैसू, जल्दी आओ। माँ, वो लोग मुझे बुला रहे हैं माँ। शादी की सेरेमनी हो जाएगी ना, मैं तुम्हें आके सब स्टोरी सुनाऊंगा। चलता हूँ। Now I pronounce you man and wife. Are you the best man? Best? नहीं। तुम ही हो best man दूल्हे की तरफ से। हाँ, दूल्हे की तरफ से तो मैं ही हूँ। तो चलो रस्म पूरी करो। रस्म? कैसी रस्म पूरी करनी? अरे भाई, दुल्हन को किस करो। हाँ, किस? नहीं। चलो जल्दी करो। बाद में किस नहीं कर सकता। अरे बुद्धू, जब तक तू ब्राइड को किस नहीं करेगा, रसम पूरी नहीं होगी। चल। तो बेस्ट मैन बनाने के लिए मैं ही मिला था। सुनो भाइयों, एक घूंट के साथ मेरे भाई और भाभी के लिए 1000 दुआ करो कि इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। चीयर्स, चीयर्स। इधर आओ, इधर आओ, मेरे गिलास में से एक सिप लो। लो। अरे एक घूंट का ही तो सारा गिलास खींच गया। बहुत खराब है तू। खुश रहो पीटर। ए दोस्त, एक गुड अपन का ग्लास अपन। अच्छा। नहीं यार, आज का दिन नहीं तो फिर कभी। ओके ओके। सॉरी। नहीं, बस और नहीं, बस बस।
सूजी अब भी से संभाल लो इसे, वरना हमारी तरह सारी जिंदगी पछताती रहोगी। सुहागरात का मजा भी चला जाएगा अगर ये धुत हो गया तो। बस बस। ए, क्यों क्यों पिला रहे हो? अरे आज उसका वेडिंग नाइट है, टाइट कर दोगे उसको? अडो अडो रास्ता दो, हार जा यार। अडो सूजी इधर रहेगा तो पीता जाएगा, पीता जाएगा तो फिर आउट हो जाएगा। तू जा बाहर जा, तू ले आओ, जा ले जा इसको। चल अरे चलो चलो शाबाश। Wish you okay. all the best. Close the door and enjoy. तुम इधर क्या जा रही हो? चलो इधर, उधर चलो। मेरा गिलास। Ciao now. Hey, honey, don't go. Please don't go. Let me.
हवलदार आया हुजूर। ये क्या है? हुजूर मूली है, घर से निकलते वक्त बीवी ने हाथ में थमा दी। उल्लू के पट्टे में मूली की बात नहीं कर रहा, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? लगता है कुछ लफड़ा हुआ है हुजूर। क्या हुआ है? मतलब दंगा फसाद, सब रिपोर्ट करने जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन तो ये है, रिपोर्ट करने कहाँ जा रहे हैं? हुजूर, गांव में कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं करता। अगर किसी को रिपोर्ट करनी होती है तो एल्फेंसो से करता है। अच्छा, एल्फेंसो से? जी हाँ, यहाँ हमेशा से यही होता आ रहा है। What's her name? Susie De Silva. Height? 5 feet 7 inches. Complexion? Very fair. Did she know any swimming? Yes. Very well. In fact, she is a university champion. Hmm? What tarna janti thi? अजीब बात है, कहीं कहीं रघुवीर की बात सच ना हो। यू मीन सूजी अब जिंदा नहीं है? नहीं नहीं, दिल छोटा मत करो, मुझ पर भरोसा रखो।
मैं अभी से तहकीकात शुरू कर देता हूँ, और जब तक छानबीन पूरी ना हो जाए कोई भी कश्ती लेकर समुद्र में न जाए। ओके पीटर, दिल छोटा मत कर पीटर, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मामला गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है, ये खान साहब है ना, ये सूजी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हेलो हेलो हेलो, ऑपरेशन डॉल्फिन, यस महेश रिपोर्टिंग सर, बिल्कुल ठीक सर, छानबीन जारी है सर। इस इलाके में कायदे कानून नाम की कोई चीज ही नहीं सर, इस इलाके का हर आदमी अल्फांसो का गुलाम लगता है सर। जब भी कोई हादसा होता है ये लोग पुलिस स्टेशन न जाकर इसकी शिकायत अल्फांसो के पास जाके करते हैं। इंस्पेक्टर खान को कोई पूछता ही नहीं सर, और पुलिस स्टेशन में भी कुछ कामकाज नहीं होता सर। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश जारी है सर। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बाबूजी। अरे ज्योति, हमें आने में बहुत देर तो नहीं हुई? नहीं तो फिर इतने दिन मिलने क्यों नहीं आए? जरा ऐसे ही काम में उलझा था। बाबूजी, आपको कभी कोई काम करते तो देखा नहीं हमने। देखो ज्योति, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। वही तो जानना चाहते हैं हम। जानकर क्या करोगी, जब भी बुलाती हो चला आता हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? बाबूजी, आपने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जब भी पूछते हो बस टाल जाते हो। प्यार में एक दूसरे पर भरोसा ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बाबूजी, प्यार में एक दूसरे से कुछ छुपाया भी तो नहीं जाता। वक्त आएगा तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुझ पर एतबार है ना? बेहद। कितना? इतना? इतना? साहब, चलो मेरे साथ चलो साहब, मैं शाह को नहीं छोड़ूंगा। जेसु, वो मां कसम, जेसु मेरी बात सुनो, मैंने शाह को देखा है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ। आप बंदूक उठाइए, मेरे साथ चलिए। वो मेरे पीटर को खा गई। डोंट, चलिए रिलैक्स, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके, देखो अब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई मेरी बात नहीं मानता था, लेकिन अब मानेंगे। बैठो। हाँ? मैं अपने ऑफिसर को खबर करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुमने अपनी आंखों से उस खूनी शार को, पीटर को निकलते हुए देखा है। इस वक्त से मैं इन गांव वालों को समुद्र में जाने से रोक सकता हूँ, वरना किसी और की भी जान जा सकती है, समझे जेसु? तुम यहाँ बैठे टिक टिक करते रहोगे और वो शार तुम्हारा इंतजार करेगी? जेसु, नाम मत लो मेरा। तुमने क्या खोया है? खोया तो मैंने है, मुन्ना तो मेरा मरा है। तुम्हें क्यों दर्द होने लगा उसकी मौत का? क्या लगता था तुम्हारा? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। जेसु सुनो तो, हवलदार जेसु, जेसु रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो हाथ में हाथ रख के, रहो अपने थाने में। अब मुझे बंदूक भी नहीं चाहिए, मैं शाह को मारने के लिए अपने हथियार खुद बनाऊंगा। लेकिन मां कसम, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं शाह को मार के रहूंगा।
वक्त बढ़ने पर ऊपर वाले ने मदद नहीं की, तू क्या मदद करेगा मेरी? ये दुनिया वाले मेरी क्या मदद करेंगे? मैं खुद सब कुछ कर लूंगा। थाने में बंद करके रखना अपने आप को, खा जाएगी वो शाक, एक एक करके सबको खा जाएगी, सारे गांव को खाएगी वो। यस, आप मीटिंग में आए नहीं अभी तक? मीटिंग? कौन सी मीटिंग? और कहा, अल्फांसो के घर। अल्फांसो? दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबने एक राय होकर मेरे इस प्लान को मंजूर कर लिया है। सर, जब आप इतना महान काम कर रहे हैं तो किसी को इनकार या इतराज कैसे हो सकता है? थैंक यू। लेकिन सर, गवर्नमेंट से इजाजत लिए बगैर आप इतना। सूर्य साहब, इस दुनिया की अदालत से ऊंची अदालत एक और भी है। जब उस अदालत ने इजाजत दे दी और हम, मेरा ख्याल है आज की मीटिंग अब बर्खास्त कर दी जाए। आइए आइए खान साहब, आइए, बहुत देर कर दिया आपने आने में, मीटिंग तो अब खत्म हो चुकी है। ये लीजिए, जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए। आप ये पढ़िए। ये क्या है? आज के एक्सीडेंट की रिपोर्ट। आज क्या हुआ? आज आज दूसरी मौत हुई है। क्या? जी हाँ, शार्क पीटर को खा गई। खामोश बैठिए। आपके पास क्या सबूत है कि शार्क ने उसे मार डाला? मेरे पास सबूत है मिस्टर अल्फांसो, जिसने अपनी आंखों से पीटर की मौत देखी। कौन है वो? येसु। इसलिए मैं ये रिपोर्ट की कॉपी आपके पास लाया हूं, ताकि आप गांव वालों को मना कर दीजिएगा कि जब तक हेड ऑफिस से मदद नहीं आ जाती और शार्क का खात्मा नहीं हो जाता, कोई समुद्र में नहीं उतरेगा। गांव वालों को मेरी रोक से दूर रखने का एक अच्छा रास्ता मिल गया है। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे खान साहब? आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। आप शार को खत्म करना चाहते हैं और हम उसकी पूजा करते हैं। पूजा? जी जी, पूजा। तो फिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि लोग किनारे पर बैठकर पूजा पाठ करें, अ काइंड ऑफ सैक्रिफिशियल सेरेमनी। उसे सागर देवता भी शांत हो जाएंगे और शार्क हमेशा के लिए यहां से चली जाएगी। ओके, आप लोग पूजा करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन कोई शख्स पानी में नहीं उतरेगा। जी, मैं वादा करता हूं कि कोई भी शख्स पानी में नहीं उतरेगा सिवाय मेरे। आप? हाँ, मैं। मदर मेरी मेरे सपने में आई थी, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मेरे रॉक पर एक चर्च बनाओ, और जब तक इस चर्च का काम मुकम्मल नहीं होता मुझे तो पानी में आना जाना ही पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे रास्ते में कानून के कांटे मत बिछाइए, मैं अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं इस बात की कदर करता हूँ कि आप जैसा होनहार ईमानदार अफसर हम लोगों के बीच है। भाइयों, ये एक ऐसे महान हस्ती है जिन्होंने एक ऐसी औरत का हाथ थामा जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे। इनकी पत्नी ने अपने ही चाचा का कत्ल किया था, लेकिन इन्होंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। अपने उसूलों के लिए इन्होंने अपनी पोजीशन समाज की, अपने ओहदे की, अपने फीतों तक की परवाह नहीं की, और नतीजा ये निकला कि इन्हें इस छोटे से गांव में ट्रांसफर कर दिया गया। आप मेरे बारे में इतनी खबर कैसे रखते हैं? आप हमारी खबर रखने के लिए इस गांव में आए हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। खैर, मैं चलता हूं। पोस्टमास्टर। जी हुजूर। आज के बाद कोई भी सरकारी चिट्ठी हमारी नजरों से गुजरे बगैर न इस गांव में आएगी और न ही इस गांव से जाएगी। जी हुजूर, बिल्कुल ठीक।
जेसु, इन हथियारों को बनाने से कोई फायदा नहीं, क्यों खामखा मेहनत कर रहे हो? तू क्या देख रहा है रे? आग तेज कर। जेसु, गांव के लोग शार्क को सागर देवता मानकर उसे खुश करने के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं। सभी ने मिलकर मीटिंग में फैसला किया है कि आज के बाद समुद्र में कोई नहीं उतरेगा। समुद्र में नहीं उतरेंगे? उनके बाप का क्या गया है? क्यों जिद कर रहे हो? गांव वाले तुम्हें पानी में जाने नहीं देंगे, और मैं भी जानबूझकर तुम्हें मौत के मुंह में नहीं कूदने दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता, और अब जीऊंगा भी किसके लिए? मेरा मुन्ना नहीं रहा, गांव वालों का क्या गया है? करने दो गांव वालों को जो कुछ करना है, मुझे ना तुम्हारी परवाह है ना इन गांव वालों की। मुझे जो कुछ करना है मैं करके रहूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। कानून सुन लिया ना? हाँ हाँ सुन लिया। कानून, मुझे किसी कानून की परवाह नहीं। ओम तत्सत ब्रह्मोदित्य प्रार्थेश्री द्वारकल्पे जम्बूदीपे वर्धखंडे आर्यावर्त गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन्। ऊपर तो आओ। अल्फांसो साहब, निकालता था। गले हो जाएगा टिकोस का। अगर दूसरे स्कूबा डाइवर्स को इसकी भनक भी पड़ गई कि समुद्र में शार्क है, तो कोई भी समुद्र में नहीं उतरेगा। अल्फांसो, बेटर किल हिम, मार डालो उसे। अब क्या होगा? सोचते हैं कुछ। इसको यही खत्म करके इसकी लाश को समुद्र में डुबो देते हैं। टिकोस्टा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। Thank you.
जसू के घर में ना जाने गोरी चिट्टी कहाँ से टपक पड़ी है। शहर की लगती है वो, कोई सगे वाली होगी। हो सकता है। अरे जसू और उसके सगे वाली, कहीं वो भगाकर तो नहीं लाया है? अरे दोनों एक छत के नीचे सोते हैं, शादी क्यों नहीं कर लेते? तो जा ना, जाके करवा देना उन दोनों की शादी। बदमाश हलकट, माँ के सामने रो रो के बोलता था मेरा दिल साफ है, मेरे मन में कोई खोट नहीं, यहाँ आके बोलता जॉनी के साथ सो जा। जॉनी को जाकर देख तो ले, जॉनी से घबराती है। अरे मुर्दे, मैंने सबको देख लिया है, जॉनी की ऐसी की तैसी और तेरी भी। ए, मेरे बाबा को गाली क्यों देती है? छुट्टी कर दूंगा तेरी। तू कौन है रे इसका चमचा फिराने वाला? जॉनी मेरा नाम होगा। जॉनी वानी क्या? जॉनी। ओह, जाओ सो जाओ ना अभी। मैं माफ करना यार, खाली पीली तेरे को गाली दिया। वर्कर नहीं है, हम सब एक कैसे हैं। और आज इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अल्फांसो और डेकोस्टा ने कानून और सरकार की नजरों में धूल झोंककर कम से कम 1,000 करोड़ रुपए के मोती मार्केट में बेचे हैं और सारा माल खुद जब कर गए। काम तो हम लोग करें, आप लोग करें और गुलछर्रे वो उड़ाए, क्या ये ठीक है? नहीं, आज हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे कि उन दोनों में फूट पड़ गई है, इसलिए वो दोनों अलग अलग कंट्रीज में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर 2,000 करोड़ के मोती बेचने वाले हैं। और ये मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप भी बॉस हैं, आप भी बॉस हैं, आप भी बॉस हैं। चीयर्स। Thank you.
की जवानी, ये गाल है गुलाबी, ये चाल मस्तानी, तू इतना बता दे बनेगी मेरी रानी, गले से लगा ले हो, गले से लगा ले। चलती हूँ ऐसे, चले है जैसे आरी, मैं पल में उतारू ये तेरी कुमारी, ये तेरी कुमारी, ओए ओए, ये तेरी कुमारी। जोश में जो आऊंगी है, होशी उड़ाऊंगी है, जोश में जो आऊंगी मैं होशी उड़ाऊंगी, याद रखेगा मिली थी कोई, मैं छुई मुई हुई रे हुई रे आहा रे आहा, मैं छुई मुई हुई रे हुई रे हुई, तू छुई मुई हुई रे हुई रे हुई, छुई मुई ओ छुई मुई, छुई मुई ओ छुई मुई, छुई मुई ओ छुई मुई, छुई मुई ओ छुई मुई। तू है मेरी शम्मा, करेगी कब पूरी तू दिल की तमन्ना, न कर आना कानी तू दे दे मुझे चुम्मा, तू अपना बना ले, तू अपना बना ले। गजब की है चोली अजब मेरा लहंगा, गजब की है चोली अजब मेरा लहंगा, मिले जो तेरे जैसा दिखाती हूँ ठेंगा, अगर मुझे छेड़ा पड़ेगा बड़ा महंगा, पड़ेगा बड़ा महंगा, ओए ओए, पड़ेगा बड़ा महंगा। मैं तुझको नचाऊंगी है, मैं रंग जमाऊंगी है, मैं तुझको नचाऊंगी, मैं रंग जमाऊंगी, उल जाऊंगी करेगा उई उई उई। मैं छुई मुई हुई रे हुई रे हुई, मैं छुई मुई हुई रे आहा रे आहा, तू छुई मुई हुई रे हुई रे हुई, तू छुई मुई हुई रे हुई रे हुई। हाथ नहीं आऊंगी है, बड़ा तड़ पाऊंगी है, मैं हाथ नहीं आऊंगी, मैं बड़ा तड़ पाऊंगी, चुप जाऊंगी जैसे सुई, तू छुई मुई हुई रे हुई रे हुई, तू छुई मुई हुई रे हुई रे हुई। मैं छुई मुई हुई रे हुई रे हुई, मैं छुई मुई हुई रे आहा रे आहा, छुई मुई ओ छुई मुई, छुई मुई ओ छुई मुई, छुई मुई ओ छुई मुई, छुई मुई ओ छुई मुई। बोल, बोल कौन है तू?
कौन है तुम? बोल! बंदूक लगाओ! चला रोटी ला, चला रोटी ला, जल्दी जल्दी बन जाएगी तो दूंगी, दिखता नहीं साले गीली लकड़ी। अरे ये बंधन के कहां गई थी? चर्च। क्यों? शादी बनाने को, मरने को। छी, आज फिर अपन की इज्जत का कचरा हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार ब्राइड बनके मैं फादर के सामने जा खड़ी हुई। कितना वेट किया, ओह, वेट करते करते साली गर्दन दुखने लग गई। पर दुल्हा वो कहां? वो तो निक्कर पहन के मच्छी के पीछे घुसा हुआ है। मैं पूछती हूँ, अगर आना ही नहीं था तो झूठ क्यों बोला? मैं औरत जात, कितना इंसल्ट हो गया मेरा, सोचा कभी? सच्ची। देख देख, ये रति भर का छोकरा, इसको अकल है पर तेरे को नहीं। ओ लॉर्ड, इसे सांड जैसा जिस्म दिया, पर थोड़ा सा अकल भी दिया होता तो क्या बिगड़ जाता तेरा? फादर बोला पाप लगेगा बिना शादी किए एक छत के नीचे रहने से, पर ये है कि तू खा, खा तू रोटी, तू खा ले, दोनों खाओ और चबाओ अकल। जब खाने की बात आती है शादी की बात लेके बैठ जाती है। खाना खाना ही नहीं और ना ही शादी करनी है। मैं जाता हूँ, शादी कर लो, रोटी मिलेगी, रोटी मिलेगी, शादी भी खत्म। अरे देख देख, फिर भूखा प्यासा निकल जाएगा। जा बेटा जा। ए, किधर जा रहे हैं? पानी में नहीं, इधर। चलो बाबा, माँ बोली खाना बन गया। मुझे खाना नहीं खाना। फिर तुम क्या खाओगे? क्या खाऊंगा? ये देख, इधर बम्प कटर भोंका। क्या? बम्प कटर भोंका, कांदे का भरता, बेड़े का झोंका, लेगा थोड़ा, लेगा जा थोड़ा माँ के लिए ले जा। अच्छा ये बात है, अभी माँ को बताता हूँ। अबे जा, अबे माँ का चमचा, माँ को बताता हूँ साला, बटाटा फोड़ दूंगा तेरा। शादी के बाद कोई काम ही नहीं, शादी कर लो, लाल साड़ी पहन के बैठी है, शाक ये मारेगी। माँ, 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 उधर तो बाटली खुल गई। क्या बाटली खुल गई? मैं यहाँ चूल्हा फूंकूं और वो वहां? चलो मेरे साथ। क्या रात है बाबा,
भी है अकेली ऐ मैं भी हूँ अकेला, रात भी रंगीली है साथ भी रंगीला, ऐ तू भी है अकेली ऐ मैं भी हूँ अकेला, रात भी रंगीली है साथ भी रंगीला। एक रात का तो साथ ठीक था फिर, पर मैं चाहूँ जीवन का साथ रे। ठीक करता हूँ, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा घर से निकली तो। हाँ, अरे अरे, लाल साड़ी पहन के गैरों के सामने ठुमक चुप रह गया। नीचे उतारो, अरे संभागी, नीचे उतार दो मुझे। क्या भजन है, अब देखता हूँ तू बाहर कैसे जाती है। क्या समझते हो? चुप, जबान खींच लूंगा। बड़े आई है, ये भूख के मारे जान निकली रही है, इसको कोई फिक्र ही नहीं। वो बेचारा जॉनी अगर मुझे नहीं बोलता तो मुझे क्या पता चलता गैरों के सामने नाचती फिरती है। तू भी तो गैर है, तू कौन सा अपना है? मैं गैर हूँ? मैंने तेरी जान बचाई, तेरी इज्जत बचाई, तुझे इस घर में ला के रखा, मैं गैर हूँ तेरे लिए? बकवास करती है, चल रोनिका, बहुत लंबी जवान हो गई तेरी। बक 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 बक, जब देखो बक बक। इज्जत बचाने से थोड़ी अपना हो जाता है, अपना होता है आदमी शादी करने से। हैं,
मैं तेरे से शादी कर लूं? अरे मैं सारा दिन समुद्र में मारा मारा फिरता हूँ देवा मांस के पीछे, किस दिन मुझे खा गई तो क्या लोग तुझे बेवा कहें? मालूम है ये सब तेरा बहाना है, तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती गांव के आते जाते लोग मुझे ताना मारे और मुझे तेरे रखील बोले। उठ उठ और दफा हो जा यहां से, चल भेजा सूख गया तेरी बातें सुनते सुनते। हद होती किसी चीज की, कोई बात है? बक 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 बक, खाना खाने को नहीं मिलता, हर वक्त कहती रहती है। चल अब निकल जा, बाहर जाके मर, अब तुझे कोई रखेल नहीं बोलेगा मेरी। चल चल माँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। चल ए, ए जॉनी, तू कहाँ जा रहा है? माँ के साथ। तू मेरे को छोड़ के जा रहा है? हाँ, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। तुम रह सकते हो क्या? रोज रात माँ की कब्र पे जाके सो जाते हो, मुझे ही उठा कर लाना पड़ता है। जॉनी जॉनी, मैं तेरे क्या लगता हूँ? बोल बाबा। लेकिन ये तेरी कौन लगती है पता है? नहीं पता ना? चलो अंदर, चलो चुपचाप बैठ जाओ और बैठ के खाना खाओ। पेट में कुछ जाएगा तो भेजा काम करेगा, ये रोज रोज का बंकस नहीं चाहिए। मैं तुम्हें रात भर का टाइम देता हूँ, रात भर सोचो और सुबह मुझे बताओ कि ये तुम्हारी कौन लगती है। मैं बोट में सोने जा रहा हूँ। फादर को तो टाल दिया, अब इसको क्या जवाब दोगे? पहले खाना खा लो, बाद में सोचेंगे। बोला मेरी माँ चली गई, हमारा मुन्ना भी चला गया, अब बड़ी मुश्किल से घर बसा है। तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। ये कश्ती यहां क्यों रोकती? अच्छा तो यहाँ पानी गहरा कितना है? जेसू, अगर बैठना है तो चुपचाप बैठ, मेरा दिमाग मत चाट। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि इतने बड़े समंदर में शार्क होगी तो यही कहीं होगी? वाह द्रोगा जी, इतना भी नहीं जानते? पानी के अंदर खून की एक बूंद शार्क मीलों दूर से सूंघ लेती है। जेसू, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था कि पीटर तुम्हारा कौन लगता था? क्या लगता था मेरा? ये वर्दी पहनकर ऐसी बातें मत करो खान। तुम्हारा कोई भाई है? तुम्हारी कोई माँ है, कोई बहन है? पीटर मेरे लिए सब कुछ था, पर ना हम जैसे लोग जिसके न माँ का पता है न बाप का ठिकाना, दुनिया वाले जिसे हरामी कहते हैं, पीटर की माँ ने मुझे अपना बेटा कहा था, मुझे अपने सीने से लगाया था। इतना भरोसा था पीटर की माँ को मुझ पर कि मैं अपने जीते जी पीटर पर खरोंच तक नहीं आने दूंगा। लेकिन आज आज देखते देखते पीटर का खून बह गया, शार्क उसे खा गई, मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। Jesus!
शिशु ये क्या कर रहे हो? मेरी बात मानो। शिशु रुक जाओ, नादानी मत करो। बस वो आदमी भाग गया, उसके जेब से ये कार्ड निकला। बस वो हमारे कब्जे से भाग गया है। आराम सादा, एक आदमी पर नजर नहीं रख सकते तुम लोग। दूर हो जाओ मेरी नजर से। महेश कुमार सीबीआई ऑफिसर। मेरा शक ठीक ही था। हेलो हेलो बॉस, आप आ गए हैं? नहीं नहीं बॉस, मेरा मतलब ये नहीं था। डिकोस्टर साहब भी? अच्छा अच्छा। बॉस एक बहुत बुरी खबर है, हमने एक आदमी को पकड़ा था, वो हमारे कब्जे से भाग गया है। एक्चुअली वो एक सीबीआई ऑफिसर है, इसका मतलब है पुलिस को हमारे पर्ल ऑपरेशन का पता लग चुका है। यस सर, और अल्फांसो डिकोस्टा यही गैरकानूनी काम कर रहे हैं। फिलिप डिसोजा के कत्ल के जिम्मेदार भी यही लोग हैं सर। यस सर, सुजी और पीटर की मौत शार्क के खा जाने से हुई, और समंदर में शार्क की मौजूदगी का फायदा उठाकर किसी को भी पानी में नहीं जाने दिया जा रहा है सर। और इसी का दुगना फायदा अल्फांसो और उसके फिरंगी साथी मदर मेरी रॉक्स की मोतियों की सुरंगों को खोखला करने में लगे हुए हैं सर। लेकिन सर, इंस्पेक्टर खान और मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं सर। एट वंस, जितनी जल्दी हो सके हथियारों से लैस बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भेजने की कोशिश करें सर। थैंक यू सर। उस तरफ मेरी रॉक है, मेरे बाबा भी उधर ही गए हैं, अपन भी वहां चलते हैं। उधर बहुत सारे खेलने की जगह है, हम ढेर सारे सिप जमा करके खेलेंगे। हाँ। अरे हाँ, तुम्हें मालूम है सीप में से मोती निकलते हैं? पकड़ ये मोती, मेरे बाबा लाए थे वहीं से। हम दोनों मिलकर सीप में से ढेर सारे मोती निकालेंगे। तुझे आता है सीप में से मोती निकालना? नहीं तो? कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, बड़ा मजा आएगा। रंग बिरंगे मोती और सीप से खेलेंगे। तू ढेर सारे मोती घर ले जाना, फिर तू भी गरीब नहीं रहेगा। वो कैसे? तुझे मालूम नहीं मोती बहुत कीमती होता है, बेचने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। हाँ, फिर बड़ा मजा आएगा, मेरे पापा देखेंगे बड़े खुश होंगे, फिर हम रोज मोती लेके जाएंगे, बड़ा मजा आएगा ना? मैं आ रहा हूँ।
Take your position. Come on, come on. Be alert. Police aaiye. Fire! किसी ने इशारे की तो मार डालूंगा जड़ी को। जल्दी नीचे की तरफ लाओ। डिकोस्टा शार्क। हेलो 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 एल्फिंसो, हेलो एल्फिंसो, डोंट वरी, हम हेलीकॉप्टर को नीचे लाता है, डोंट पैनिक, ओके? Okay?
हाँ।